आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। मैं शिवम अपने YouTube चैनल टेक्निकल शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने Google असिस्टेंट के अंदर वेदर सेटिंग कैसे यूज करते हैं, इस सेटिंग से आपके असिस्टेंट के अंदर क्या परिवर्तन पड़ता है, Google असिस्टेंट के अंदर क्या परिवर्तन पड़ता है, वही मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अब यहां पे आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फोन के अंदर गूगल असिस्टेंट ओपन कर लेना है, उसके बाद उसकी सेटिंग ओपन कर लेना है। और जब आप स्क्रॉल डाउन करते हुए सबसे नीचे आते हैं तो यहां पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाती है वेदर के नाम से। तो इस सेटिंग से क्या होता है और इस सेटिंग के अंदर क्या देखने को मिलता है और क्या परिवर्तन पड़ता है गूगल असिस्टेंट के अंदर, तो सबसे पहले देखने को मिल जाता है प्रिफेयर्ड टेम्परेचर यूनिट, यानी कि यहां पे आपको टेम्परेचर यूनिट के बारे में बताया जाता है वेदर के जरिए। और यहां पे आप यह सेट कर सकते हो कि अपने गूगल असिस्टेंट से जब आप पूछते हो अपने वेदर के बारे में तो वहां पे आपको कैसा बताना चाहिए, यहां पे देखने को मिल जाता है सेल्सियस में बताना चाहिए आपका वेदर या फारेनहाइट में बताना चाहिए, तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सेल्सियस पे सेट करके रखा है, तो मैं यहाँ पे गूगल असिस्टेंट से जब पूछूंगा कि हमारे यहाँ का वेदर क्या है तो वो हमें सेल्सियस में ही बताएगा। अगर आप यहाँ पे फारेनहाइट में सेट कर देते हैं तो आपका वेदर गूगल असिस्टेंट फारेनहाइट में ही बताएगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ही गूगल वेदर तो देख सकते हैं यहाँ पे इस समय हमारा 32 सेल्सियस हमें बता रहा है। तो अगर आप यहाँ पे फारेनहाइट सेट कर देते हैं तो यहाँ पे 32 और यहाँ पे फारेनहाइट आपको देखने को मिल जाता है। तो यही आपके गूगल के अंदर परिवर्तन पड़ता है वेदर सेटिंग से, और इसी तरह से यूज किया जाता है गूगल असिस्टेंट्स के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।